वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। आज का टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें हमें तमाम खवातीन जो हमारा शो इस तक देख रही है उनके इनपुट भी बहुत जरूरी है। जनाब आज का टॉपिक है खवातीन जो है वो फजूल खर्च होती हैं या मयाना रवि इख्तियार करती हैं, दोनों के इसके बात करने वाले हैं। कॉल कर सकते हैं आप, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा और दो खवातीन भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं इनका तारुफ करवाऊंगी और मैं फिर जानूंगी कि ये कफायत छुआ रहे हैं या फिर फजूल खर्च है। डॉक्टर जवेरिया सहवर्दी होंगी हमारे साथ जो कि सोशल वर्कर हैं और इसके साथ साथ डॉक्टर अमरीन इकबाल हमें ज्वाइन किया जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। दोनों को वेलकम करते हैं। कैसी हैं आप दोनों? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। तो अच्छा डॉक्टर जवेरिया आपसे शुरू करते हैं, आप फजूल खर्च हैं या थोड़ी कफायत छुआ रहे हैं? देखो तुम्हारा सवाल तो बहुत अच्छा है लेकिन हमारे हालात के मुताबिक इसलिए नहीं है कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है और बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर ये होता है कि आप कफायतशुआरी की आदत हो जाती है। हमारे माशरे में जो मिडिल क्लास भी है और लोअर मिडिल क्लास है उनको तो कफायतशुआरी की वो सोच समझ के करते हैं और बेटियां हो तो फिर शायद बहुत पहले ही सोचना समझना शुरू कर देते हैं जिसकी जरूरत बिल्कुल नहीं होती। अल्लाह मियां ने जो किस्मत में लिखा होता है वो मिल ही जाता है। लेकिन कफायतशुआरी एक अच्छी, देखो मियाना रफी की हद तक ठीक है। अब क्या आप कफायतशुआरी कह रही हो, आप कंजूसी शुक्र है नहीं कह रही है, तो बस कफायतशुआरी अच्छी आदत है, जरूर करनी चाहिए। मैं कफायतशुआर बिल्कुल हूँ, बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल हूँ, मैं सब चीजें सोच समझ कर थोड़ा सा प्लान आउट कर लेती हूँ। इसके बावजूद जो आपका लास्ट 10 डेज ऑफ जो मंथ होते हैं उसमें मुझे लगता है कि सबको फिर भी प्रॉब्लम सेव करना पड़ता है, कंजूस हो जाते हैं, तब कफायतशुआरी से निकल गया कंजूसी। डॉक्टर अमरीन आप कफायतशुआर हैं या थोड़ी खुले दिल की कह देते हैं ना, खुले उड़ाती है? वेल इट डिपेंड्स, दिस रियली डिपेंड्स। अब आप खुले दिल का और उसका, उसकी जो है वो रेंज जो है वो दैट अगेन वेरीज, मैं कहती हूँ इसका डेफिनेशन वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आई थिंक द ओनली जो इसके लिए बेसिक डेफिनेशन मैं डिफाइन करती हूँ सेविंग्स के कॉन्सेप्ट के लिए, दैट इज टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द नीड्स एंड द वॉन्ट्स। ठीक है, नीड्स एंड वॉन्ट्स, जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि व्हाट आर नीड्स में भी फर्दर बेसिक नीड्स कि जिसके बगैर आपका गुजारा मुमकिन नहीं है, तो बेसिक नीड्स एंड वॉन्ट्स एंड डिजायर्स, जब आप ये फर्क थोड़ा सा जरा कर लेंगे एंड व्हेन यू विल डू द बजटिंग फॉर योर बेसिक नीड्स फर्स्ट देन कमिंग टू द नीड्स एंड देन ग्रेजुअली, तो आई गेस फिर उस पर। और अगर एज फार एज आई एम कंसर्न तो आई थिंक मैं मियाना रवि के कॉन्सेप्ट को बहुत जो है वो अप्रिशिएट करती हूँ और जो मेरे केसेस भी आते हैं क्लिनिकल केसेस मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह उसमें ये बहुत होता है कि जी खर्चे पे लड़ाइयाँ होती हैं। बिल्कुल, तो वो सेविंग्स का जो कॉन्सेप्ट में जो मियाना रवि ने, इस्लाम ने भी बहुत प्यारा असूल दिया है कि मियाना रवि जो है वो इख्तियार की जाए। ठीक हो गया। अच्छा जनाब अब आपने भी कॉल करनी है, नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा, हम बात करेंगे। स्पेशली मैं इनकरेज करूंगी कि खवातीन भी करें साथ, तो मर्द हजरात भी अगर कुछ कहना चाहते हैं उन्हें लगता है कि उनकी बेगम या घर वाले बड़े अब जो कह लें खुले दिल के हैं, मैं बिल्कुल फजूल खर्च नहीं कहूंगी, मैं खुले दिल के। देखो इसमें ये होता है कि जो हस्बैंड्स होते हैं अमूमन ये होता है या वालिद होता है या अब्बू जो हैं वो अम्मी को एक लगा बंदा खर्च दे देते हैं, उनका मतलब ये होता है कि इसमें आपने पूरा महीना पूरा करना है। और लेकिन ये बात है इसमें ना गर्मी और सर्दियां वेरी करती हैं हमारे तरफ, तो exactly. गर्मियों पे आप बहुत बड़े बड़े आपके बिल्स इलेक्ट्रिसिटी का बिजली का बिल आता है तो फिर आप सब चीजें सोच समझ के करते हैं। अदरवाइज ये होता है कि आदमियों को चाहिए कि थोड़ा सा वो झगड़ा ना करे, किसी दिन वो एक महीना वो खुद भी चला, जो आदमी लड़े उनको कहें एक महीना भाई आप चला, फिर आपको पता चले कि आपकी बेगम साहिबा कितनी अच्छी गुजार भी रही है और उसमें अब वो थोड़ा सा जमा भी कर लेती है किसी बुरी बात के लिए। ये देखो ना अभी सर्दियों में शादियों के सीजन आ जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा लेन देन हो जाता है, तो इसलिए आदमी को भी चाहिए वो अपनी बीवियों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और लेन देन में जरा खुले दिल का मुजाहरा करें। अच्छा वैसे खुला दिल में इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि पैसे खर्च करना भी बड़े हौसले का काम है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं आलमिया बहुत सारे नमाजता लेकिन हौसला नहीं देता। बिल्कुल ठीक है, हौसला नहीं देता और हौसला होना ना बड़ी बात होती है, इसलिए मैं बिल्कुल उनको फजूल खर्च नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी वो खुले दिल से खर्च करें। इस्लाम में ना कि बुखल भी नहीं होना चाहिए और फजूल खर्च भी नहीं, तो दैट इज द मिडल वे जो कि मियाना रवि या जो हम जिसको कहते हैं सिरात मुस्तकीम, बट अगेन दिस इज वेरी मच डिफिकल्ट टू अटेन दैट बैलेंस। हम यूजली इधर वी गो टू वन एक्सट्रीम या हम दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, सो जो मिडल वे है वो बड़ा जरूरी है और मिडल वे तभी आएगा जब आप अगेन एक तरफ आपकी नीड्स हैं एक तरफ वांट्स हैं और उनको आप बैलेंस करेंगे। पता क्या होता है अगर पूरा महीना आप मिडल वे में चलते जाए ना तो फिर ऐसे बोरियत का भी एहसास हो जाता है, इसलिए कभी कभी फैमिली के साथ पूरा पार्टी प्लान करें। अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ द नीड्स, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, आप ये नहीं कह सकते कि अब आपने उनको जला दिया रोज बिल्ली की तरह इतना खाना दे दिया, ये बात नहीं है। आप उनको पार्टी भी करानी चाहिए और थोड़ा सा अगर तंगी है तो उसके बाद उनको एक अच्छा उनको अच्छा अगर चले कोई थोड़ा टाइम फिर बच्चे भी कॉम्प्रोमाइज कर, बच्चे भी वीकेंड्स का कॉन्सेप्ट ही है उसमें। मैंने आपको कहा ना बेसिक नीड्स से जब आप नीड्स की तरफ आते हैं तो दैट इज द नीड टू फैमिली, जो आप एंटरटेनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द नीड, तो उसमें आपको अगेन बजटिंग करनी पड़ेगी कि लेट्स से यू हैव टू गो आउट वंस अ मंथ
और आफ्टर टू वीक्स तो अगेन इट हैज टू इट कम्स ऑन द बजटिंग. अच्छा अमरीन, हमने अभी बात की कि ये एक साइकी है कि खवातीन बड़ी फजूल खर्च होती है. क्या साइकी है ये, मुझे समझा दे आज, आज को ये साइकी. वेल सम पीपल से इट्स अ मिथ. अच्छा ठीक है. एंड द वुमेन दे आर बीइंग स्टिग्मेटाइज्ड. लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, भी मैं न्यूट्रल होके बात करूंगी. कुछ फेंड नहीं करना, आपने फेंड नहीं होना. अमरीन कुछ कहने लगी है. आई एम नॉट, नो नो नो, आई एम बेसिकली द थिंग इज, मुझे यहाँ जब ऑब्जेक्टिवली मैं बात करूंगी तो हमारी जो एशियन वुमेन है विद वेरी ड्यूप, एक तो ग्लोबली अगर देखा जाए तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ट्रेंड इन वुमेन फॉर द शॉपिंग, नो डाउट. नंबर टू, अगर मैं एशियन वुमेन का भी अपना देखूं तो आपने जैसे अभी बात की तो एशियन वुमेन के अंदर भी जो है वो थोड़ा सा ये चीज आ गया कि घरों में काम वालियां होंगी, घरों में कपड़े धोने वाली होंगी, घरों में बर्तन धोने वाली होंगी. तो मुझे लगता है कि इन चीजों को अगर हम थोड़ा सा स्क्वीज कर लें, वो ये समझती हैं ये नीड्स है. वेयर एज इफ दे आर हाउस वाइफ, दे आर नॉट वर्किंग वुमेन एंड दे आर स्टेइंग एट होम, तो वहां पर मेरा ख्याल है वो इस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके, एक तो उनकी अपनी हेल्थ भी इससे बेहतर होगी इफ दे विल डू वर्क बाय देमसेल्व्स. एंड नंबर टू, जो आपने साइकी कहा, तो यस मैं यहाँ पर मर्दों को, मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा जरा उनकी फेवर करूंगी कि फीमेल्स जो है वो थोड़ा सा स्पेंडिंग में बजटिंग नहीं करती हैं. हाँ. जब बजटिंग का हम कॉन्सेप्ट करते हैं तो उसमें अर्मला एंड डॉक्टर जवेरिया यू विल अग्री विद मी कि बजटिंग का हमारे टाइम में हमारी माएं डायरीज कॉपीज रजिस्टर्स बनाती थी जिसमें वो लिखा करती थी. अभी भी आई डिड अ प्रोग्राम ऑन सेविंग्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर और जो लेटेस्ट टेक्निक्स जो रिसर्च कहती है कि जब आप लिख के बजट बनाते हैं, वेदर अ मैन और अ वुमेन, जब आप लिख के अपना बजट बनाते हैं तो उससे चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से आप बड़ी बड़ी कंपनीज में भी देखें, आप छोटी छोटी जो चीज कंपनी के लिए खरीदते हैं यू गेट द रिसीप्ट फॉर दैट और इनवॉइस उसकी बनती है. उसमें होता यह कि एटलीस्ट आपको पता होता है कि ये मेरी फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी बिल्स है, रेंट है, बच्चों की फीस है एंड ब्ला 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 ब्ला. जैसे आपने कहा समर में इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा है, विंटर्स में गैस का बिल ज्यादा है, तो जब आप उनको राइट डाउन करते हैं तो उससे विजुअल इमेजिनेशन, दिस इज अ टिप फॉर ऑल ऑफ दी मेन एंड वुमेन, कि आपके उससे विजुअल इमेजिनेशन बेहतर होती है और आपको पता चल जाता है कि हाँ यार वेयर वी आर स्टैंडिंग. तो इसको हम बोलते हैं बेसलाइन स्टेज, यू गेट टू नो अबाउट द बेसलाइन स्टेज. आपने सारी बातें बहुत अच्छी की लेकिन यहाँ से थोड़ा सा मैं एक इख्तलाफ करूंगी. आप बिल्कुल आदमियों को दे रहे हो, मैं इसमें खातून को दूंगी. अब मैं खवातीन को अल्लाह ने बाय नेचर, अल्लाह ताला ने खवातीन बाय नेचर, वो कहते हैं ना हुस्ने जन से है तस्वीरे कायनात में रंग, तो नहीं हुस्ने जन से है तस्वीरे कायनात में रंग. तो देखिए अल्लाह ने औरत की तबीयत में एक रखी भी है, उसको अपने गेटअप के लिए अपने हेयर डन, लिपस्टिक्स, कपड़े, चीजें, एक शौक भी होता है. तो अब वो बाजार जाएंगी, एक तो सेल्स का आ गया कॉन्सेप्ट, तो फिर वो दिल मचल जाता है, मचल जाता है. ये मैं करूंगी. अच्छा ये सेल्स और ब्रांच की मैं बात करूंगी, उससे पहले मैं कॉलर ले लेती हूं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी है उर्मिला? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? मुझे पहचान लिया? बिल्कुल पहचान लिया, आप हमारी रेगुलर कॉलर है परवीन मसूद साहिबा. हाँ जी. अच्छा ये आप फजूल खर्ची पे बात कर रही है ना, लाहौर वाले छेले इतनी लगाते हैं घर के लिए बच्चे की भी होती. अच्छा अभी हम मर्दों औरत में लड़े थे, अब कराची लाहौर में भी बहस शुरू हो गई. ये कराची से है ना? सही. लाहौर में तो बहुत छेले लगती है ना, बचत ही नहीं होती. और वो औरतें जो है ना वो कहती है कि पहले हमें अपनी सेल से फुर्सत मिलेगी तो घर पे तवज्जो देंगे. कराची में क्या करते हैं आप लोग? मैं ये और सफायर की तो अंधी मच जाती है, एक एक औरत 50-50 सूट लेके जाती है. आपसे ये जानने कि आप फजूल खर्च है या आप पर कफायत शुमार है? मैं जगह देख के खर्च करती हूँ, कौन सी जगह पे खर्च करना है और कौन सी पे नहीं करना. अच्छा मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप अपना हाथ कंट्रोल कर सकती हैं? जी 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 बिल्कुल ऐसे ही करती. क्यों भाई, वो तो शौक तो पूरे नहीं होता, जितनी मर्जी चीजें खरीद लो. ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग परवीन मसीद साहिबा, बहुत शुक्रिया. अच्छा साहब उन्होंने निकाह डॉक्टर जी भी अभी भी आप भी बात कर रही थी, किस खवातीन की जो शॉपिंग वाली अभी अमरीन भी कह रही थी, आदत भी होती है कुछ का, शौक भी होता है. कुछ बिल्कुल इस चीज से नहीं करती हैं और कुछ बहुत ज्यादा करती हैं, तो शौक भी एक बयाना रवि के साथ पूरा किया जाए तो आप देखो ना. अब देखो सेल्स की एक बुरी बात तो ये कि ठीक है हम कभी कभी अपनी जरूरत से ऊपर खर्च कर देते हैं, लेकिन आप ये देखो कि हर दफा ऐसा नहीं है. हम जिस मौसम में रहते हैं जैसे लाहौर, आप पूरे पाकिस्तान की बात कर लें, तो अगर बाज़ औरतें अब जमा करके रखती हैं और उसमें ये होता है, देखो अगर 50% ऑफ
30% ऑफ है, तो वही चीज़ आपकी सिलाई में चला जाता है। तो अगर वो खवातीन कुछ सूट लेके रख लेती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल होते रहते हैं, तो एक तरह से ये बेहतर भी होता है कि खवातीन को, देखो पहले एक ज़माने में ये था कि जो आपके सूट्स होते थे डिज़ाइनर्स, तो ये आप ख़रीद ही नहीं सकते थे। लेकिन ये कि अब उन्होंने एक रेंज बना दी, 800 में कुर्ता है, 1200 में है, 5 में है, 14000 में है, तो वो जैसे कॉलेज जाने वाली बच्चियाँ होती हैं, तो वो ये कि वो भी ये कह सकती हैं कि मैंने फलां फलां ब्रांड सफायर, जो भी नाम लेने का पता नहीं है, लेकिन जो भी है वो कह सकती हैं कि हमने पहना हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि एक तरह से यूनिवर्सिटीज में भी कंपटीशन बात बन गई है, ये बात बन गई है कि आपका कपड़े नहीं, आप बहुत ज्यादा फोल्ड करते हैं, अगर हमने नॉर्मल ब्रांड भी पहना हुआ है तब भी आपको कॉन्शियसनेस। और दूसरी बात है कि वो बिल्कुल फैशन, अब जो नया फैशन चल रहा है तो उसके मुताबिक होता है, तो सब लड़कियां जो ना बड़ा कंफर्टेबल, मेरी बेटियां हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हमने ये पहना है, ऐसा ट्राउजर होना चाहिए, जैसा वो सोचती है या जैसा वो टीवी पे देखती है, वो उनको वहाँ पे सेल में मिल भी जाता है, अवेलेबल भी। कॉलर ले लेते हैं समन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ समन, आप कैसी हैं? बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है, आपका ड्रेस बहुत प्यारा, आपका हेयर स्टाइल भी बहुत प्यारा लग रहा है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया समन, थैंक यू सो मच। समन आज के टॉपिक के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि आप फजूल खर्च हैं या कफायशवार हैं? मैं कफायशवार हूँ, फजूल खर्च नहीं हूँ। नहीं फजूल खर्च, मैं फजूल खर्च नहीं कहूंगी, मैं खुले दिल की कहूंगी आपको। आप खुले दिल की हैं या कफायशवार? मैं खुले दिल की वाले को, लेकिन मुझे आपसे सूट का गिफ्ट चाहिए ना, फिर ज्यादा मजा आएगा। ओए होए, अच्छा गिफ्ट चाहिए? अच्छा ये मेरी डिजाइनर का जोड़ा है, मैं उससे पूछ लूंगी, अगर वो आपको गिफ्ट देगी तो मैं जरूर आपको भेज दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग समर, बहुत शुक्रिया। जी सॉरी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी आप फजूल खर्च हैं? मैं अभी आपको बताती हूँ मैं क्या। अच्छा अगर तो मेरे घर वाले शो नहीं देख रहे तो फिर तो मैं कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा फजूल खर्च हूँ, मैं बहुत ज्यादा फजूल खर्च हूँ, मैं नहीं सोचती, अगर मेरे पैसे हैं तो मैं बादशाह हूँ, मैंने लुटा देने जब तक वो एंड पे जीरो क्रेडिट। अभी आप सिंगल हैं, अब बादशाह एंजॉय कर सकती हैं। एग्जैक्टली, ये पर्क्स मेरे हैं कि मेरे पे कोई लायबिलिटी नहीं है, तो जो मैं कमाती हूँ वो मैं अपने पे लगा लेती हूँ, कपड़ों पे, जूतों पे, और कभी नहीं, वैसे घर वालों पे भी ये होता है कि बच्चे मेरे घर में माशाल्लाह इतने ज्यादा है कि उनके साथ मेरी सारी कवायशवारी निकल जाती है, एक बार उनको शॉपिंग पे ले जाओ सब खाली हो जाता है, तो ये मेरा भी एक नॉर्मली प्रैक्टिस है। तो समन को जनाब वो कहती है कि वो कवायशवार खुले दिल के। अच्छा डॉक्टर जबेरिया, अभी आप कुछ कह रही थी कि हम जब अमरीन ने जो बात की कि बच्चों में ब्रांड कॉन्शियसनेस कॉलेज यूनिवर्सिटी में बात, यहाँ पे बात करना चाह रही थी। देखो पता है क्या, पहले शुरू में ऐसा होता था कि कुछ कॉलेजेस, स्कूल और कॉलेज को क्यों लोग डिफ्रेंशिएट करते थे, क्योंकि देखो स्कूल में आपने 10-12 साल यूनिफॉर्म पहना है, अब उसकी जब बच्चियाँ कॉलेज में जाती हैं तो फिर वो एक, कुछ पेरेंट्स में ऐसा होता है कि जब बच्चियाँ लोगों में उठती बैठती हैं कॉलेज जाएंगी तो थोड़ी सी ग्रूमिंग हो जाती है, तो उसमें ये होता है कि बच्चों को के यूनिफॉर्म ना हो। बात सिर्फ यही है कि आप जैसे कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो ज़रूर डेवलप हो जाता है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा बच्चियाँ भी सीख जाती हैं कि हमने किसी को अगर अच्छा देखा है तो हमने उसके पीछे नहीं भागना, और अगर एक बच्ची अच्छे और उसने देखा कि मेरी फ्रेंड ने कम अच्छे कपड़े पहने हुए तो मैंने जो है बिल्कुल जो है उसकी मदद भी कर देनी और उसको बुरा भला नहीं कहना। इसलिए एक जो चीज़ थोड़ी सी कभी सोच कर फर्क आता है ना, तो मेरे ख्याल है वो भी बच्चियाँ सीख लेती हैं। हाँ, लेकिन आज हम, आई गेस आवर डिस्कशन इज मोर गोइंग टुवर्ड्स दी फैशन एंड द ग्रूमिंग व्हेन इट कम्स टू द सेविंग्स। तो मेरा ख्याल है कि सेविंग हमेशा जो कॉन्सेप्ट, सॉरी टू कट यू, नहीं बिल्कुल, कि सेविंग हमेशा इस्लाम ने कहा है कि जो आपकी लेस से जितनी भी आपकी अमाउंट है उसमें से आप कर लें कि मैंने 2% या 5% सेव करना है। मैं एक टिप देना यहाँ पे चाह रही हूँ मेल्स को यहाँ पर, कि वो जितनी भी उनकी सैलरी है, कभी घर में पूरी सैलरी ना बताओ, कभी घर में पूरी सैलरी ना बताओ। नो, दैट्स व्हाट आई एम द ट्रिकी, दैट्स द साइकोलॉजी ऑफ अ, वी प्ले विद द माइंड्स, वी हैव सीन, क्योंकि उन्हें पता होगा टोटल इतना इनकम आ रहा है, वो टोटल कहीं ना कहीं आपकी निकल आती है जरूरियात। तो अगर उनको ये हो कि हमने अपनी सैलरी का 5% जो है वो हमने बचा के रखना है, इसी तरह विमेन अगर उसमें से जो उनको मिल रहा है उसमें से 5%, पता होता क्या है, समटाइम्स जब बच्चों को भी पता है ना इतना आ रहा है तो उनकी भी नीड्स बढ़ती जाती है। अब नीड्स भी कितनी होनी चाहिए, यू सी, तो उसमें मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आपका 5% मैन इज सेविंग एंड 5% द वुमेन, जैसे आपने कहा यू आर अ मदर ऑफ डॉटर्स, सो वो उस लिहाज से भी अगर आप सेविंग करेंगी तो यू फील सिक्योर। देखो घर में क्या होता है कि मैं तो, हम आम लोगों में ज्यादा उठते बैठते हैं हर तरह के लोगों में, अब ये होता है कि खवातीन, आपने देखा होगा पहले सिर्फ नीचे के तबके में था, मिडिल में था, अपर में भी चला गया, वो इस तरह से होता है कि एक कमेटी डाले थे। अब वो बेचारी खवातीन का दिल इतना अच्छा, एक पाकिस्तानी औरत का होता है कि बेटे ने खर्चा मांग लिया, मियाँ को कोई जो, तो फौरन अपनी
लगी बंदी जितनी उसने जमा की होती है वो पकड़ा देती है और वो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं करती हमसाई को। अब ये होता है कि वो कमेटी डाल के अपना खर्चे में से निकाल के पूरा के भी इतना मुझे बजट मिलेगा तो मैं अपनी बेटी की शादी में डाल दूंगी, मैं अपने बेटे को मोटर बाइक ले दूंगी, या फला उसका कॉलेज में एडमिशन आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तानी खवातीन है वैसे बहुत इन जनरल बहुत समझदार है और उनके पास उस समझदारी से बाहर निकलने की गुंजाइश भी बहुत कम है। ये कमेटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत सारे फोरम्स पे, ना सिर्फ ये मिडिल क्लास की बात नहीं है, मैं एलीट क्लास में भी कॉन्सेप्ट देखा है। एलीट क्लास तो देखे ना, एक डायमंड का सेट देखा हुआ है, एक कार और ले लेनी है, उनकी रेंज भी ज्यादा है, किटी पार्टीज हो गई है। लेकिन जो मैं दरमियाने तबके और नीचे की बात करी वो उन खवातीन अपनी जरूरत के लिए रखती हैं। तो जो तबका आप बात करी ना इलीट क्लास, दैट इज नॉट इवन 2-3%। द 60-70% इज द मिडिल क्लास, अपर मिडिल एंड लोअर मिडिल। वो पॉइंट आई थिंक 0.85 है, बिल्कुल 80% को कवर करना है जो उनको बेसिकली जो है वो कर रहा है। तो जैसे आपने कहा कि खवातीन को, हाँ मैं एक लिहाज से जरूर खवातीन को ये अप्रिशिएट करूंगी कि जितने हमारे यूटिलिटी बिल्स और जो एजुकेशन जितनी एक्सपेंसिव हो चुकी हुई है उसमें मेरा ख्याल है कि वो बहुत मुश्किल से ही कुछ अपनी वांट्स या डिजायर्स जो है वो करती होंगी। एंड डेफिनेटली दे शुड डू द सेविंग एंड दे कैन स्पेंड दैट मनी ऑन देयर फैसिलिटी ग्रूमिंग। आप उनसे पूछ के देखें ना तो बताएंगे कि देखो मेरा ये दिल चाह रहा था, ये दिल चाह रहा था, ये मैंने सब नहीं किया। अक्सर खवातीन बहुत कफायशवार भी होती हैं, बिल्कुल मैं उनको नहीं कहती, लेकिन समटाइम्स आप ऐसी चीजें देखते हैं अपने ऑब्जर्व, जिस सर्कल में आप उठ रहे हैं अगर वहाँ पर कुछ खवातीन आपको मिलती है तो हम नॉर्मली उस चीज को ना अपने हवासों पे सवार करते, फिर उससे भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है कि देखो असल बात यह कि खवातीन शायद आगे इर्द गिर्द के लोगों के असरात भी कुछ ज्यादा ले रही होती हैं। आदमी जहाँ बैठा होता है वो वहाँ से उठ जाएगा, जैसे आप एक जीन जैसे आप बात हुई 3 शर्ट्स हैं गुजारा कर लिया, लेकिन खवातीन असरात भी ज्यादा लेती हैं, फिर घर में आके डिप्रेशन भी होता है, फिर खिचखिच भी होती है, फिर थोड़ा सा कड़वा भी होता है, फिर शिकायत के अनबार भी होते हैं, फिर तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो ये बात थोड़ी सी हो जाती है। लेकिन ये खवातीन मेरे ख्याल है खुद भी अभी देखो ये एक खास तबका है, ये बहुत अमीर औरत भी कहती है कि देखो डायमंड का सेट उसने लिया मुझे नहीं तुमने लेकर दिया नीचे, लेकिन हमारी जो आम क्योंकि समझदार होती है, लेकिन देखो ना इंसान है, शिकायत तो फिर किसी ना किसी से करनी है, पांच नमाज पर थोड़ा सा तवक्कुल भी हमारी तबीयत में ज्यादा होने की तरफ जा रहा है, जिसको हमने रोकना है। आई थिंक ये जो आप प्रोग्राम्स कर रही हैं दिस इज द बेस्ट वे कि हम लोगों को बार बार इस चीज का शऊर दिलाएं कि इस ट्रेंड को हमने अब कहीं ना कहीं रोकना है। थोड़ा सा सादगी की तरफ जाएं, थोड़ा सा अपने खर्चे को खुद भी इसमें डिजाइन करें। पहले ये था कि घर में खवातीन जैसे आप कह रही हो हाउस वाइफ है, वो क्यों अखराजात बताते हो, स्टिचिंग हो सकती है। ठीक है, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जुबेरिया, बहुत शुक्रिया आपका। अमरीन आप दोनों हमारे साथ मौजूद रही। जनाब हमने आज डिस्कस किया कि खवातीन मयाना रवि इख्तियार करती हैं या खुले दिल का मुजाहरा करती हैं, और निचोड़ नहीं ये निकला कि अपनी जरूरत के तहत इंसान फजूल खर्ची नहीं करता और कभी कभी अपने शौक पूरे करने में भी कोई हर्ज नहीं है। जनाब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर भी ज्वाइन करने वाले हैं और उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए जागो लाहौर।